गुड मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 बजे और मेरे ना सुबह से उठने का यही टाइम होता है डेली, क्योंकि मुझे जिम जाना होता है तो यार 5:30 बजे तो उठना ही पड़ता है और रात को ना इसी वजह से मुझे जल्दी सोना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल मेरा यही रूटीन चल रहा है। ऐसे सुबह उठने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या करें, उठना पड़ता है। चलो फिर नीचे चलते हैं, चाय वाय पीते हैं, वरना नींद तो कभी खुलने वाली है नहीं। देखो, अरे यार ये क्या हो रहा है? ये देखो, 2 अंडे और दे दिए यार, ये तो कभी खत्म ही नहीं होएगा। फिर मैं तो सोची थी ये कबूतर का बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उड़ के चला जाएगा, अब देख रहे हो कि 2 अंडे उसने और दे दिए, तो मुसीबत हो गई यार। ऐसे तो कभी कभी भी ये लोग जाएंगे ही नहीं, बैक टू बैक अंडे देते रहेंगे, तो मैं क्या इस वॉशरूम को गंदा का गंदा रखूंगी? ये लोग बैक टू बैक अपनी फैमिली ना बढ़ाए जा रहे हैं और मेरे घर पे ना कब्जा किए जा रहे हैं। देखो एक और बैठा हुआ है। अब मैं क्या करूं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ना ऐसे तो यार ये अपनी फैमिली बढ़ाते रहेंगे और बढ़ाते जा रहे हैं अपनी फैमिली, अंडे पंडे दे जा रहे हैं, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, उड़ने का नाम नहीं ले रहे, नहीं घर छोड़ने का नाम ले रहे, इनफैक्ट मेरे ना पूरे घर पे कब्जा करते जा रहे हैं। और वो वाला वॉशरूम है ना, वो वाला वॉशरूम, वो है गेस्ट वॉशरूम, एक्चुअली वो वाला जो वॉशरूम है वो है गेस्ट वॉशरूम, क्योंकि नीचे जो भी गेस्ट आते हैं वो लोग वही वॉशरूम यूज़ करते हैं। तो यार वो वॉशरूम इतना गंदा पड़ा हुआ है, तो मैं जो भी गेस्ट आते हैं ना उनको ऊपर भेजती हूँ, लेकिन यार ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मेरे को क्या करना चाहिए। अभी तक तो मैं वेट कर रही थी कि चलो बच्चा बड़ा हो के उड़ के निकल जाएगा, लेकिन अब मुझे ना कोई उम्मीद नहीं लग रही कि ऐसा कुछ होने वाला है। बाकी अभी अर्नव जग जाएगा ना तो मैं उससे पूछूंगी कि क्या करना है। अर्नव अभी चाय मैंने पी ली है और मैं रेडी हूँ शूज पहन के, ना चलते हैं जिम। अभी सबसे पहले ना मैं क्या करती हूँ कि यार क्या होता है ना, डेली जब भी मैं जिम से आती हूँ ना तो कचरे वाला निकल जाता है, तो मेरा ना इतना सारा कचरा इकट्ठा हो गया है। तो अभी मैं ऐसा करती हूँ, सारा कचरा इकट्ठा करके एक जगह रख देती हूँ, वो आएगा तो ले जाएगा। कितना सारा कचरा इकट्ठा हो गया, ये 2-3 दिन का कचरा है, अभी मैं इनको रख के एक साथ रख देते हैं और इनको हम रख देंगे बाहर। और चलो हम रेडी हैं, निकलते हैं। तो पहले मैं सोची थी कार के ऊपर रखूँ, अब मैं सोच रही हूँ कि ना इसको ना मैं साइकिल के ऊपर रख दूँ। यहाँ माला आ गई, माला। ए चल, आजा आजा, चल। मेरे को डर लग रहा है ये कचरा पड़ा हुआ फाड़ फुड़ाना दे, आजा आ। यार वैसे तो मैं साइकिल के ऊपर ही रख के आई थी, लेकिन पता नहीं है, मुझे लग रहा है वो ना पहुंच तो जाएगी, फाड़ फुड़ा दिया ना तो मेरा और फैलारा हो जाएगा, एक बार देख लेती हूँ। नहीं ठीक है, वो तो कहीं और चली गई। और आज ना मैं अकेली ही जिम जा रही हूँ, अर्नव आया नहीं, क्योंकि ना कल उसने ना कुछ ज़्यादा स्टंट मार लिया था तो उसका शोल्डर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, इसलिए आज उसने ऑफ किया है। वैसे यार मन तो मेरा भी कर रहा था कि मैं भी आज छुट्टी कर लूँ, फिर मैंने सोचा छोड़ो घर पर रह के भी क्या ही करूँगी, इससे बढ़िया जिम ही चली जाती हूँ, आलस करके क्या फ़ायदा है। वैसे भी अभी मैं स्टार्टिंग फेज़ में हूँ तो जिम डेली जाना मेरे लिए वैसे भी ज़रूरी है। अभी ना वीडियो बनाते बनाते मैंने देखा मेरे पीछे से ना बाल कलर दिख रहे हैं, बट वही वाला हिसाब है जैसा कि बर्गेंडी वाला था, धूप में दिखेंगे और वो भी इतने कोई ख़ास नहीं दिख रहे, लेकिन दिख तो रहे हैं। एक तो यार उसके साथ जाने की ना मेरे को आदत पड़ गई, तो अकेले जाना वैसे ही बहुत बोरिंग लग रहा है। लेकिन उससे पहले तो मैं अकेले अकेले ही जाया करती थी, लेकिन उसने ना मेरी आदत ख़राब कर दी। आते ही मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं कचरा वचरा फाड़ ना दिया और डॉग ने, लेकिन यहाँ पर कचरा वचरा भी नहीं है और ना ही फटा फटा कोई चीज़ें पड़ी है, ना ही गंदगी है, इसका मतलब हमारे घर का कचरा निकल चुका है। ये 3-4 दिन से यार घर पे ही पड़ा हुआ था कचरा। अभी जस्ट जिम से आई हूँ मैं और अभी ना मुझे ओट्स भी नहीं खाने दिया, बॉयल करके मैंने रखा हुआ है ओट्स। तो अभी ना अभी हम जा रहे हैं, वो यहाँ पर हमारी सोसाइटी में एक फिजियोथेरेपिस्ट है, हमारी सोसाइटी में सब कुछ अवेलेबल है, सारे डॉक्टर मिल जाते हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन आवर सोसाइटी, सारे लोग हैं। तो अभी हम पता करने जा रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट का, क्योंकि अब ना इसको फिजियोथेरेपी, यार ऊपर देखो कितने अच्छे केले लग रहे हैं, मैं भी ना बात करते करते पता नहीं केले में बताने लग गई,
तो अभी ना इसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, क्योंकि ना अभी इसका हैंड उठ नहीं रहा है, तो वही हम पता करने जा रहे हैं ताकि आज से इसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर सकें। मुझे लग रहा है यार टाइम का भी पंगा ही है, क्योंकि अभी हो सकता है बंद हो, बट ठीक है हमारे पास में ही, तो जाके देखने में क्या जा रहा है। अभी हम पहुंच गए क्लिनिक में और क्लिनिक खुला हुआ है, हमने फ़ोन कर लिया था, हमने सोचा पहले फ़ोन करके पता कर लेते हैं, लेकिन अभी अंदर ना कोई पेशेंट बैठा हुआ है, इसलिए हमको यहाँ पर वेटिंग में बिठा रखा है। हम वहाँ पर बैठे हुए थे, बैठे बैठे ही हमारा मूड चेंज, क्योंकि हमने बोला चलो कहीं और पता करेंगे, डॉक्टर आके देखेगा अरे यहाँ पेशेंट बिठा के गया था कहाँ गए। मतलब हमको थोड़ा सा सही भी नहीं लग रहा था, वो हमने सोचा चलो कहीं और पता कर लेंगे, हमारी सोसाइटी में भरे पड़े हैं फिर। अरे ये देखो, ये हमारा पंखा हो चुका है ख़राब, और ये रात को ही ख़राब हुआ, चल भी नहीं रहा है। और अभी मैंने देखा ये पंखा बहुत गंदा हो रहा है, और रात को पता है मैं सिर्फ एसी चला के सोई हूँ, क्योंकि पंखा तो चल ही नहीं रहा था, इसलिए मेरा बिल भी अच्छा खासा हो गया होगा। चलो इसको बंद कर देते, ज़्यादा तकलीफ नहीं देते। मैं तो जाके सो गई थी, फिर मुझे याद आया कि यार कपड़े भी धोने हैं, तो उठना पड़ा, जो कि मैंने सारे के सारे बकेट में इकट्ठे करके रखे हैं। अब यार ये अगर कपड़े नहीं धुलेंगे तो मैं पहनूंगी क्या, अभी सारे तो इसी में पड़े, तो एक काम करते हैं इनको धोने में डाल देते हैं। अब यार पता है धो दो वो तो ठीक है, फिर सुखाने के लिए फिर इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना पड़ेगा, फिर वो तो बात की बात है, पहले धो देते हैं। वॉशिंग पाउडर जितना आपको समझ में आए उतना डालो, क्योंकि इसका कोई नाप तो होता नहीं है, इसीलिए जब तक आपको सेटिस्फाइंग नहीं लगे तब तक वॉशिंग पाउडर डालते रहो, आई थिंक इतना काफ़ी होगा, तो आपको डाल देते हैं थोड़ा सा। एंड चलो आप थोड़ी देर में धुले जाएंगे कपड़े, लेकिन यार आज इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, जबकि टाइम ना 5 बजने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है 2 या 3 बज रहा है। और अभी ना अभी अर्णव जाने वाला है ऑफिस, लेकिन उससे पहले ना उसकी बाइक में मुझे चेन ल्यूप करवानी, क्योंकि डबल स्टैंड पे लगाना है, तो अकेले की बस की बात तो है नहीं, तो मैं उसके साथ जाके अभी लगाती हूँ डबल स्टैंड पे। और प्लस ये ऐसा होता है ना यार, चेन ल्यूप करा लेंगे ना तो बाइक भी स्मूथ चलेगी, तो चलो यार मैं करवाती हूँ। हो गया है? रात के 10 बजे मुझे याद आ रहा है कि कपड़े सुखाने, मैंने सोचा चलो सुखा देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कपड़े अगर वॉशिंग मशीन में पड़े रह गए तो स्मेल आ जाएगी, इसलिए मजबूरी में इतनी सीढ़ी चढ़ के ऊपर आना पड़ा। चलो फटाफट कपड़े सुखा लेते हैं, क्योंकि यार 10 बजे यार सोने का टाइम भी हो गया है। The next morning. आज तो वैसे दूसरा दिन ही हो गया, कल मेरे को याद ही नहीं रहा कि अर्णव को बताना ना, है ना? देख जरा माता, छोटा वाला उड़ गया क्या? सीख गया वो उड़ना, बड़ा जल्दी होता है यार, ऐसे तो एक वॉशरूम साफ करने में ऊपर जाके रख दे। हाँ देखो देख, मैं दिखा दूँ यार, देखो वॉशरूम की हालत देखो यार पूरे, और ये देखो देख रहे हो ये दो अंडे और दे दिए, अब मैं क्या करूँ, ये वॉशरूम, ये देखो मेरा वॉशरूम हालत बहुत गंदी हो गई। और यार पता है वो उड़ना लग गया, और पता है वो वाला ना उड़ना भी सीख गया और उड़ के चला भी गया, सही है ना यार? इस पल का मैं वेट कर रही थी, लेकिन अभी दो अंडे और पड़े हुए, ये नहीं चाहते हुए भी ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि इस चीज़ को हटाना पड़ेगा।